नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो उनका वहां जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। काशी से आज पीएम ने जनता को न्यू इंडिया के सपने को साकार करने का मंत्र दिया। हालांकि बजट तो कल पेश कर दिया गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उसका बही खाता जनता के सामने रखा। नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, पौधारोपण किया और बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की और फिर जनता को न्यू इंडिया के सपने को साकार करने का एक मंत्र दे दिया। तो आज करेंगे मुद्दे की बात में इसी पर खास चर्चा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारे साथ सतीश अग्रवाल जी, सीए हैं, खुद स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी मौजूद है। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। प्रभात जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस सपने में कितनी हकीकत नजर आती है, क्या कहा जाए? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये भी करके दिखा देंगे, लेकिन धरातल पर वास्तविकता क्या कहती है, कितना संभव नजर आता है? देखिए शिल्पा जी, मोदी जी इस देश को जो स्वप्न दिखा रहे हैं सिर्फ स्वप्न दिखाते हैं और वो उनके पास शब्द कोश और शब्द बाण बहुत हैं और कहते हैं कि 132 करोड़ की जनता हमारा सहयोग करे, हमें हमें अपना सहयोग दे, जनभागता की बात करते हैं। जब हर काम जनता ही कर लेगी तो सरकार क्या करेगी? आपने जो रोड मैप बनाया, आपने जो लक्ष्य रखा, ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है, नया इंडिया आप बनाइए, लेकिन कहीं आपने चर्चा की कि आपने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, गरीब आदमी के जेब से आप पैसा निकाल रहे हैं? आपने बताया कि गरीब आदमी के लिए हमारा रोड मैप क्या है? आपने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात कही, वेलकम, स्वागत है, तो कह रहे स्वागत होना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए भाई? जब भी मोदी जी बोलते हैं तो बोलने में तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस देश से अपोजिशन खत्म हो चुका है और अपोजिशन जब नहीं है तो अब मोदी जी कुछ भी बोले। 132 करोड़ जनता के बीच में आप बात करते हैं, आपको 60-70-50 करोड़ वोट मिला है, आप 80 करोड़ या 70 करोड़ जो आपसे कनेक्ट नहीं है, अभी आपके उतने 132 करोड़ मेंबर भी नहीं बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप सबकी बात 132 करोड़ की बात, अरे भाई अगर हम अपने अपने घर के पास सफाई कर लेंगे तो भाई हम तो सफाई कर ही रहे हैं। अगर हम जन सहभागिता की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मैं कल से नहीं समझ पा रहा हूँ, कल से जब से बजट जारी हुआ है और आज मोदी जी के चेहरे को आप देख लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, उन्होंने जो 5 मिलियन की बात कही, आज उन्होंने वहां अपने कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास किया लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का अनावरण करने के बाद, जिस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सस्ता अभियान का एक कार्यक्रम किया और एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि $5 मिलियन, इसका महत्व तो समझिए आप, तो ठीक है नया इंडिया बना रहे हैं, लेकिन पुराना इंडिया जो था हमारा, जिसमें बहुत सुकून था, बहुत सुख शांति थी, सारी चीजें थी, आपने करप्शन के मुद्दे पे, काले धन पे आपने चोट की, नोटबंदी आपने इस देश के अंदर की, आपने 50 दिन इस देश से मांगे थे और मोदी जी घबरा गए थे। देश की जनता के मन में एक सीधा सा सवाल आ रहा है और वो ये कि 2014 में भी जिस तरह से तमाम सपने दिखाए गए थे, कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपने जो के त्यों रह गए, क्या ये एक और उसी कड़ी में सपना जुड़ता हुआ? शिल्पा जी, सपना हम कह रहे हैं, सपना आप दिखाइए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सरकार का काम है गरीबों की जेब में पैसा डालना, गरीबों की रक्षा करना, गरीबों को उनके अब एक तरफ गरीब एक तरफ अमीर, ठीक है, गरीब और गरीब हो रहा है, मैं आपसे कई बार आपकी डिबेट में कह चुका हूं, अमीर और अमीर हो रहा है, आखिर जीएसटी में पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं आ रहा है? अभी जो ये 2.5 और 3 रुपए आज बढ़े हैं, आज देश की जनता के ऊपर जो बोझ पड़ा है, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 रुपए अपना सेस बढ़ा दिया, तो वहां 5 रुपए बढ़ गए, तो अब सरकारें वो कहेंगी भाई हम भी, भाई आपने 2.5 रुपए बढ़ाया, 2.5 रुपए हम भी बढ़ा देंगे,
तो 5 रुपया का बोझ जो अगर आम आदमी पर पड़ेगा, मध्य प्रदेश की बात कर लो या जहां और भी सरकारें हैं, या पूरे देश की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम अभी महीने भर के अंदर दिखाई देंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी। मैं आपसे बात करूंगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे दोबारा। इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री सतीश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्या कहा जाए, कल आपने बजट देखा और आपने आज वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए वहां उपस्थित तमाम लोगों को संबोधित करते हुए जिस तरह से न्यू इंडिया का सपना दिखाया, न्यू इंडिया से नई आर्थिक शक्ति बनने का ये जो एक तरीके से बहुत शानदार तस्वीर जनता के सामने रखी, क्या कहा जाए, वास्तविकता की कितने नजदीक नजर आती है। साथ ही ये भी बताइएगा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट कितना प्रभावी साबित होने वाला है। नमस्कार शिल्पा जी, आपने पूछा कि कल बजट भी पूरा सुना निर्मला सीतारमण जी का और आज मोदी का भाषण भी सुना था। जो कल निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया उसी को ही मोदी जी ने आज कहा था, लेकिन हर आदमी का अपना देखने का नज़रिया अलग है। एक गिलास आधा भरा हुआ है, यदि आप देखते हैं कि आधा भरा है तो दूसरा उसका पहलू आता है कि आधा खाली है, लेकिन नॉर्मली इंसान को भरा हुआ नहीं दिखता, खाली दिखता है। एक कहावत है कि 100 अच्छाइयों को एक बुराइयां मार देती हैं। इसमें बहुत सारी खामियां भी रही हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं और कुछ सपने भी हैं, और जो कि गवर्नमेंट हमेशा देती आई है और मोदी गवर्नमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जो ड्रीम्स बेचते रहे हैं उसकी वजह से वोटों पर राजनीति। और मैं मोदी गवर्नमेंट नहीं, मैं पिछले 85 से सारे बजटों को देखता सुनता रहा हूं, तो सभी गवर्नमेंटों ने इसी तरह की चीज़ें की है। लेकिन कुल मिला के जब आधा भरा है, यदि हम आधे भरे के पहलू को देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि ये अचीव कर सकती है, किया है। और यदि हम दूसरे पार्ट को देखने लग जाते हैं कि आधा खाली है, तो बहुत सी चीज़ों का केवल जुमला या दूसरी चीज़ें दिखने लगती है। बिल्कुल सतीश जी, ये बताए कि मोदी का ये जो सपना $5 ट्रिलियन वाला न्यू इंडिया का ये जो प्लान है, ये कैसे फुलफिल हो पाएगा, क्या रोड मैप है सरकार के पास, क्या कुछ प्लान है सरकार के पास। शिल्पा जी, यदि किसी चीज को सबसे ज्यादा, यदि आपको 5 ट्रिलियन किसी भी चीज में पहुंचाना है, तो बेसिक नीड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, उसके अदर प्रॉब्लम्स आएंगी, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन उसकी वजह से जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ता है तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट तेजी से बढ़ता है किसी भी कंट्री के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने भी सबसे तेजी से ग्रो किया, तो उनकी सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी रोड कनेक्टिविटी थी। इंडिया के लिए भी उन्होंने उसी प्रोग्राम पर जा रहे हैं, और जो क्रूड ऑयल पिछली सरकार को जो इनके लिए एक बूस्ट रहा या वरदान मिला कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के बाद इनको क्रूड बहुत सस्ता मिला, इसका बेनिफिट इन्होंने सरकार ने पब्लिक को नहीं दिया, और उसकी वजह से उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ों पर खर्चे किए, तो पब्लिक को भी थोड़ा सा ऐसा दिखा कि कुछ हद तक सपने सच हो रहे हैं, उतने नहीं फुलफिल हुए जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सरकार ने इनको, जनता ने सरकार इसलिए बनाई कि शायद अगले 5 सालों में कर दें, ये उसी के लिए। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से शायद कुछ। प्रभाजी, ऐसे में क्या कहा जाए, क्या पूरा का पूरा फोकस, सारा का सारा जोर सिर्फ और अधिक ताकतवर आर्थिक शक्ति बनने की तरफ या मोदी सरकार देती जा रही है ग्लोबल लीडरशिप पर और अधिक स्ट्रांगनेस यानी कि और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? देखिए शिल्पा जी, हम अर्थव्यवस्था में 6वें देश के रूप में है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं आप सपना मत देखिए, आप आगे का 5-10 साल या 15 साल का विजन ना बनाएं, आप बनाएं, लेकिन उससे उसके साथ साथ हमारे भारत की जो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति अगर हमारी खराब हो जाएगी, डवाडोल हो जाएगी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं की स्थिति के बारे में हो, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिला के लिए कर क्या रहे हैं आप बताइए, हम गरीबों के लिए कर क्या रहे हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं चली थी हमने खत्म करके नीति योजना आयोग से नीति आयोग बना दिया, हम आज गरीबों को क्या दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम क्या दे रहे हैं, 5 साल बाद हम क्या देंगे, 5 साल का आपने रोडमैप खींच दिया, और मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने 2022 की बात की, 19 की बात ही नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि 19 को हम पे आएंगे, क्योंकि इस देश का विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, मरा हुआ विपक्ष है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि लोकतंत्र कहां जा रहा है, डेमोक्रेसी भारत की के लिए ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। आप इसको मुझे विरोधी पत्रकार समझे या मुझे कुछ भी समझे, मैं देश के 2014 के समय में
मोदी सरकार पार्ट वन जब बनकर आई थी, चुनकर आई थी, उस समय भी खड़ा हुआ था, और अब 2019 में तो 2014 से भी प्रचंड बहुमत मोदी सरकार को मिल गया है। और ये कहा भी जा रहा था कि अब तो ये सरकार किसी की सुनेगी ही नहीं, क्या कुछ इसी तरफ जाती हुई? मैं शिल्पा जी एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि 132 करोड़ में लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम तक खाते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपए मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको मजदूरों को, मजदूर जाते हैं और बैठ के चले आते हैं, और जब उनके पेट खाली होगा, हमारा वर्तमान समय में पेट खाली होगा, हमारे जेब में रुपया नहीं होगा, तो हम इस बजट का क्या करेंगे? हमें रुपया जेब में रुपए आने का, और हम ट्रांजेक्शन जब लोकल परचेजिंग नहीं होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या बनेगी? आज भी चाइना, आप कहते हैं स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल कीजिए, आज चाइना, आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, आप ग्लोबल लीडर बने हुए हैं, आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी ग्लोबल लीडर की जो मानसिकता है वो देश के आंतरिक स्थिति को खराब किए हुए है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे कोई भी हो, करे आपके लिए हर व्यक्ति बराबर है। आप ये बताइए कि गरीबी रेखा से गरीबों को ऊपर उठाने की क्या रोड मैप है? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए आप, कोई भी अर्थशास्त्री मुझे बता दे कि गरीबों को ऊपर गरीबी रेखा से उठाने के लिए क्या किया सरकार? गरीबों को जब तक गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया जाएगा तब तक देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने को लेकर कितने भी बड़े बड़े दावे चाहे क्यों ना कर लिए जाए, लेकिन उसकी हकीकत कहीं ना कहीं पोल खोल कर रख देगी। अर्थशास्त्री हमारे साथ लगातार मौजूद है, सतीश अग्रवाल जी। सतीश जी, जरा सबसे पहले मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि वर्तमान स्थिति इकोनॉमी के लिहाज से हिंदुस्तान की क्या कहती है, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। वर्तमान स्थिति तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिया के लिए काफी हार्ड है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरह से आपने बताया है कि काफी हार्ड सिचुएशंस इंडिया के सामने है, काफी सारी चुनौतियां इंडिया के सामने है, ऐसे में इस इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने में क्या सरकार सफल होगी? संशय पैदा होता है सर। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट की है। पिछले 5 साल में सरकार कुछ भी आंकड़े देती रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर आंकड़े नहीं दिए कि एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली काफ़ी गिरावट रही है। और किसी भी देश के लिए, तरक्की के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी फ्री बीज बांटे जाए उससे देश तरक्की नहीं करता जब तक कि वहाँ के खुद के लोग देश के विकास के लिए काम नहीं करें। पर विकास के लिए तो तभी काम करेंगे कि जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई 300 रुपये नहीं मिल रहे, अब ठीक है वो एम्प्लॉयमेंट की, उसके लिए सरकार को केवल जब तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, चाहे वो सरकारी द्वारा बढ़े या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी क्रिएट किए जाए कि जिससे एक बाजार में रोजगार क्रिएट हो, उसके बाद गवर्नमेंट अपने आप ही फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पर आने लग जाएंगी और एक चीज़ से दूसरी चीज़ पूरक होती है। यदि आदमी को 50 लोगों को रोजगार मिलता है तो उसके संग में 50 लोगों को ऑटोमेटिकली मिलता है क्योंकि उनकी एक्सपेंसेस पावर बढ़ जाती है। यानी कि जो लक्ष्य रखा गया है कठिन है, सीधे शब्दों में अगर मैं पूछूं कठिन है, काफी सपने से भरपूर है। लेकिन जब कठिन लक्ष्य बताया गया बीजेपी को, पीएम नरेंद्र मोदी को, तो उनका पता है क्या कहना था? वो कह रहे हैं कि जो कठिन लक्ष्य बता रहे हैं वो लोग पेशेवर निराशावादी है, यानी कि विपक्ष की तो सुन ही नहीं रहे जो ये कह रहे हैं। बिल्कुल प्रभा जी, आऊंगी आपके पास भी। विपक्ष की तो सुन ही नहीं रहे, इसके अलावा जो अर्थशास्त्री या फिर जो विद्वान लोग कह रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि पेशेवर निराशावादी है आप लोग। मैंने मतलब क्या सवाल ही उठाना बंद कर दे? नहीं, मैंने आपसे दोनों शब्द कहा ना कि ग्लास आधा भरा हुआ है, पर नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं। अब मैं आधे भरे के शब्द के हिसाब से यदि पॉजिटिव मानूं तो यदि इन चीजों को लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं तो पूरा तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ हद तक करा जा सकता है, लेकिन सरकार की इन नियत और मनसा सारी चीजें ठीक रहनी चाहिए। पार्टी जी, आपको क्या लगता है कठिन लक्ष्य बताने वालों को? देखिए शिल्पा जी, मैं फिर कह रहा हूं कह रहे हैं कि मोदी जी को आप भी आते हैं नहीं, मोदी जी हर सवाल खड़े कर रहे हैं तो पेशेवर निराशावादी आप भी हो गए। अपने आप को आशावादी और दूसरे को निराशावादी बता देते हैं। अभी हम डिबेट कर रहे हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता आएंगे, मुझे निराशावादी, मुझे विपक्ष का पत्रकार, निगेटिव मानसिकता वाला पत्रकार बता देंगे। सवाल इस बात का है, हमारे पेट में पेट खाली है तो हमारा पेट खाली है तो हम क्या बोले भाई? पेट हमारा भरने की व्यवस्था हमारी की नहीं जा रही है, हमारे तन ढकने की। अब 45 लाख में 3.5 लाख रुपए अगर आपने छूट दे दी, 45 लाख का मकान कौन खरीदेगा? आप मुझे बताइए, मध्यम वर्गी में जो रोटी जो कमाने वाले लोग हैं वो 45 लाख का मकान खरीदेंगे, उसमें 3.5 लाख छूट पाएंगे? हमें समझ में नहीं आता। आप झोपड़ी कहां दी आपने? गरीबों को झोपड़ी कहां दी? गरीब काश्तकार जो आज भी किसान, जो दूसरे की खेती में कामगार किसान है, काम कर रहा है,
वो किसान को आपने 5 एकड़ जमीन का मालिक बनाने की बात कही थी। मैं तो कहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ अर्थशास्त्रियों से और सरकार से भी, कि आप 132 करोड़ की बात करते हैं, क्यों ना आप 60 करोड़ जो गरीब है उनको आप उनके अकाउंट में सीधे 2 लाख या 5 लाख रुपए डाल दीजिए, वो अपने जाए कार्ड से स्वीप करें और 5 लाख का ब्याज खाए, उनको उनका पेट भरता रहेगा। आप काम तो कर रहे हैं बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का, आप डीजल पेट्रोल लगातार आप आम आदमी की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। अभी तो आप देखिएगा दाल, उन्होंने कहा अरहर, वो दाल का उत्पादन बहुत हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आज गरीब आदमी क्या भरपेट भोजन कर पा रहा है, मुझे बताएं, क्या उसको रोजगार मिल रहा है? सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर रोजगार की है। फिर दूसरी स्वास्थ्य की है। आपने आयुष्मान योजना अप्लाई, बहुत बढ़िया, वेलकम, स्वागत, 5 लाख का आपका वो, उस आयुष्मान योजना से लाभ किसको मिल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, कोई लाभ आप दिखाइए, कैमरा लेके आप जाइए पूरे देश के, जो लाभ मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन खबरें इस तरह की जरूर सामने आई है कि कचरे के ढेर से हजारों की तादाद में आयुष्मान कार्ड जरूर बरामद हुए हैं। चलिए इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, हम बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के मोदी मंत्र के बारे में। सर, ये मोदी मंत्र, मोदी जी का ये सपना हकीकत के कितने करीब कहा जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो देश को देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है और देश की जनता उनको जवाब दे देगी, यानी देश की जनता में ये ताकत है कि ये करिश्मा वो कर दिखाएंगे। लेकिन वास्तव में देखें तो ये कोई करिश्मे वाली बात नहीं है, करिश्मा तो कतई नहीं है, हम तो पीछे चल रहे हैं। अगर नहीं हो पाएगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक, तो इसका मतलब है कि सरकार फेल्योर की ओर जा रही है। मैं अपने इसमें तर्क दे रहा हूँ, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी बैठे हैं और देश के दूसरे अर्थशास्त्री भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। 2009 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी $1.35 ट्रिलियन, 2017 में यानी 8 साल बाद हो गई $2.65 ट्रिलियन, डबल हो गई, सीधे 8 साल में डबल हो गई। तो 17 से 8 साल और जोड़िए 2025 होता है ना, तो उसको तो नेचुरली डबल होना चाहिए था। लेकिन और एक फिगर लीजिए, 2017 में अगर $2.65 थी तो 2019 में कल के निर्मला सीतारमण जी के स्टेटमेंट के हिसाब से $2.7 ट्रिलियन ही है हमारी इकोनॉमी, यानी 2 साल में सिर्फ $0.05 ट्रिलियन की इकोनॉमी का इजाफा हुआ है। इसका मतलब इसमें 20 से इंटू कीजिए, यानी 20 साल लगेंगे इस रेट से, जिस रेट से पिछले 2 साल में विकास हुआ है। ऐसे में प्रेम कुमार जी, क्या सपने में उलझाने की यहाँ पर कोशिश हुई? सपना दिखा दिया गया, लोग सपने में उलझे रह जाएंगे और बीजेपी को जो करना है बात ये कि एक बहुत आसान सा लक्ष्य जो है, एक बहुत आसान कैच आपके पास आ रहा हो, आप उसको ले सकते हैं दोनों हाथों से, लेकिन आप उसको घुलटनिया खा के उसको बहुत डिफिकल्ट टाइप से दर्शनीय बनाएंगे कि हमने करिश्मा कर दिया। ये काम करने जा रही है सरकार, 2025 में तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो फेल्योर है इस सरकार का, ये कोई करिश्मा नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, प्रभात त्रिपाठी जी, आपका स्टैंड, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं, प्रेम कुमार जी बहुत सही बात कह रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। ये सोचने की बात है कि 17 से 19 के बीच में आपने कितनी ग्रोथ की, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा प्रेम कुमार जी ने, और मैं यही कह रहा हूं कि स्वप्न आप दिखाइए, सपना आप दिखाइए, न्यू इंडिया आप बनाइए, लेकिन पुराने इंडिया को आप नकार नहीं सकते हैं। आज देश की आजादी के बाद अगर 70 साल हम लोग खड़े रहे हैं और ये मोबाइल और जो आपकी सूचना क्रांति आई है, कुछ और लोग लाए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन क्या किया जाए? हमारे इस देश का विपक्ष टेबल से कोई लंदन घूमने चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है और उसके पास काम करने के लिए कोई, ऐसा लगता है कि स्वयं हार मान ली है, मोदी के सामने हार मान ली है, भाजपा के सामने हार मान ली है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। फिर मैं शिल्पा कह रहा हूं आपसे, और हमें चिंता करने की जरूरत है
कि आज हमारा मध्यम वर्गीय गरीब आदमी क्या ये स्वप्न को देख के जीवित रहेगा कि हम 22 में क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे। अरे हम अर्थव्यवस्था में हम मजबूत होंगे, हम छठवीं अर्थव्यवस्था अगर विश्व की है और हम हर क्षेत्र में अगर सशक्त हैं, तो हम बार बार आशावादी निराशावादी सिर्फ शब्द बाण और उससे आदमी गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है। आप जवाब दीजिए कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लाया गया? ठीक है प्रभात जी, सतीश अग्रवाल जी, क्यों नहीं हो रहा है? एक अर्थशास्त्री के तौर पर अब ये बताए कि 55 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, उस समय सातवें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, 55 सालों के बाद छठे स्थान पर हम लोग पहुंच पाए हैं, यानी कि उससे भी और ज्यादा समय ले लिया गया। क्या कहा जाए, इतने सालों बाद मात्र एक स्थान हम ऊपर आ पाए और अब अगले 5 साल में मोदी जी सपना दिखा रहे हैं कि हम एक पोजिशन और ऊपर चले जाएंगे, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सर जरा ये बताएं कि इतनी धीमी रफ्तार के साथ हम अब तक आए हैं यहाँ पर छठी पोजीशन पर, अब पांचवी पोजीशन पर क्या इतनी लंबी छलांग लगा लेंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर यदि हम ग्रो कर रहे हैं और हमारी धीमी रफ्तार है तो इसका मतलब दूसरे वाले भी साथ साथ पैरेलल ग्रो कर रहे होंगे, इसलिए हम उनको नहीं पकड़ पा रहे। हम अपने बचपन में जब पढ़ते थे तो क्लास में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे हैं तो सेकंड वाला फर्स्ट नहीं आने देता था, फर्स्ट वाला कभी सेकंड वाले को अपने आगे नहीं निकलने देता था। तो ये कंपटीशन तो हमारा हर कंट्री के साथ चलता रहेगा। यदि हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हम चलो वहाँ से बढ़े तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका कहना सही है कि इतने स्लो बढ़ रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट पर चला जाता है। और मैंने कहा ना कि दोनों चीज के एस्पेक्ट बराबर हर क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको ग्रो करने की बहुत फास्ट गति से आवश्यकता है। हमारे पास जो सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे पास यंग यूथ, हमारे पास ब्रेन है, और यदि हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सरकार की या हम लोगों की कोई कमी है कि इस यूथ के साथ में हमको बहुत तेजी से विकास करना चाहिए था और अभी भी आगे नहीं किया, तो हम ये नहीं है कि उसको पास्ट को पकड़ के बैठे, आगे भी यदि करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमको। और दूसरा जो भी भाई साहब कह रहे थे कि 4.5 ट्रिलियन की, वो 4.5 ट्रिलियन की पहुंचती है, 6 ट्रिलियन की पहुंचती है, उससे ज़्यादा हमें अपने दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो रोजगार हेल्थ उनकी चीज़ें बेटर होती रहें। ये तो सबने आंकड़े कि हम 5th पर पहुंच गए, 4th पर पहुंच गए, लेकिन यदि बेसिक और आधारभूत सुविधाएं खत्म होती रहेंगी, कमजोर होती रहेंगी, तो इन सब चीजों का गरीबी लाइन से ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो हमें विशेष रूप से आर्थिक शक्ति हम बने ना बने, लेकिन कम से कम गरीबों को गरीबी लाइन के ऊपर लाने के लिए हर जद्दोजहद करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से। ठीक है प्रेम कुमार जी, जिस तरह से मैंने एक सवाल पूछा, 55 साल पहले 7वीं पोजीशन पर, अब 6ठी पोजीशन पर, ये तो अगर यूं कहा जाए खुद ब खुद होना ही था इतने सालों के बाद, लेकिन क्या बीजेपी इसका क्रेडिट लेते हुए जनता को गुमराह कर रही है कि देखिए जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो हमने आते ही कर दिया और अब अगले 5 साल में आप इसीलिए हमसे ही उम्मीद लगाए कि आगे भी कर दिखाएंगे? मेरी समझ में नहीं आ रही है आप जो कह रहे हैं। 55 साल पहले सर 7वीं पोजीशन पर भारत की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी और अब जब इसको अपडेट किया गया लेटेस्ट वर्जन के अंदर तो इसको 6ठी पोजीशन पर। मुझे डाउट है कि 55 साल पहले हम 7वीं अर्थव्यवस्था थे सर। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये चीज आई है सामने और उसी के आधार पर हमने ये सवाल पूछा। देखिए अभी जो टॉप 10 की अर्थव्यवस्था है उसकी उसकी अगर उसका आकार देख लें तो जो जो पहले दूसरे नंबर पर जो है उसके सामने तो तीसरा चौथा पांचवा बहुत पीछे चला जाता है। पहला दूसरा तीसरा मान लीजिए अधिक से अधिक, उसके बाद जो है पांचवा छठा सातवां सब जो है आसपास है। मतलब इंग्लैंड से तो हम इसी साल आगे हो जाएंगे, स्थिति है इसी साल आगे। इंग्लैंड 2.62 लाख करोड़ डॉलर है और भारत 2.61 है। हाँ, 2. फिर से बताएं, 2.61 भारत है और ब्रिटेन है 2.62 लाख। हाँ, 2.62 ट्रिलियन हो गया और हम 2.61 ट्रिलियन है, तो 0.01 ट्रिलियन का जो फर्क है वो तो हम इसी साल 3 ट्रिलियन होने वाले हैं, उससे आगे बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत नजदीकी मामला है, इसमें ये नहीं है। और ये जो ग्रोथ रेट मौके पे चौका मारने की कोशिश की गई, हमारी ग्रोथ रेट जो है 90 के आर्थिक सुधार के बाद में तेजी से बढ़ी है और ये ग्रोथ रेट के लिए मनमोहन सिंह को आप लंबे पैमाने पर आप उनको जो दे सकते हैं इसका श्रेय, क्योंकि वो बड़े समय से अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, कभी वित्त मंत्री के रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनकी वो कॉमन पर्सन है, इसलिए हम उनको श्रेय दे सकते हैं।
तो वो जो आर्थिक उदारीकरण के बाद का जो दौर आया तो हमने एक ग्रोथ का एक मोमेंटम हासिल किया। पूरे यूपीए सरकार में 7.2% का एवरेज ग्रोथ रेट है और जो कि पिछले एनडीए सरकार में भी 7.2 ही है, यानी 15 साल से हम 7.2 का एवरेज ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं जो दुनिया का कोई कंट्री नहीं कर रहा है। इस वजह से हमने ये मोमेंटम हासिल किया है और हम इस तरह से बढ़ रहे हैं। यानी कि अकेले क्रेडिट लेना सही नहीं, पूरे तस्वीर सामने रहनी चाहिए। ठीक है, इस सपने पर तमाम तरह की चुनौतियां भी है, इतनी चुनौतियों के बावजूद हौसले बेहद बुलंद पीएम मोदी के नजर आ रहे हैं। वजह क्या क्या है, कारण क्या क्या है, इस पर भी करेंगे चर्चा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन फिलहाल हमें यहां रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री ने भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि पेशेवर निराशावादियों से सतर्क रहे, सावधान रहे, वो समाधान देने की बजाय संकट में आपको डाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक प्रयास हमें 5 साल में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव पर जरूर पहुंचा देंगे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी ये कहते दिखे। देखिए, न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है, दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। तो शौचालय से जोड़ने, हर जगह स्वच्छता रखने भर से ही बीमारियों में कमी देखने को मिल रही है। रिसर्च बताती है कि स्वच्छता के कारण हर परिवार के स्वास्थ्य से जुड़े खर्च में भी कमी आई है। ये बचत उस परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है। साथियों, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना भी बहुत मददगार सिद्ध हो रही है। एक त्रिवेणी बनी है जिसे आशीर्वाद लेकर के हम सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। काशी के आप सभी कार्यकर्ताओं, देश भर के कार्यकर्ताओं को एक सफल सदस्यता अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ब्लू इकोनॉमी पर भी हमारा विशेष बल है। समुद्री संसाधनों, तटीय क्षेत्रों में पानी के भीतर जितनी भी संसाधन है उनके विकास के लिए बजट में विस्तार से बात की गई है। इन संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मछली के व्यापार का। बीते 5 वर्षों में इस दिशा में हमने बहुत प्रगति की है। विकास की एक और जरूरी शर्त है पानी, और इसलिए जल संरक्षण और जल संचयन के लिए पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी को,
5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक हिंदुस्तान को पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल लगातार बना हुआ है। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार उपस्थित है, और इसके अलावा अर्थशास्त्री सतीश अग्रवाल जी भी मौजूद है। प्रेम कुमार जी, ये नरेंद्र मोदी की सारी बातें सुनी आपने, उनका कॉन्फिडेंस भी देख लिया आपने, पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे, हर हाल में पहुंचाएंगे, क्या कहा जाए? देखिए उनका ये हौसला इतना बुलंद, क्या कारण इसके पीछे नजर आते हैं? देखिए शिल्पा जी, एक तो बात है कि स्वच्छता को लेकर के एक सरकारी पहल जो उन्होंने की, और वो तो एक बहुत जरूरी चीज थी, और राजनीति से ऊपर उठ करके हमें मानना पड़ेगा कि हमें स्वयं करना चाहिए था, सरकार को करना पड़ा, सरकार ने किया, भले ठीक है सरकारी लेवल पर और करने चाहिए, कम से कम एक जागरूकता तो आई है लोगों में। हम कम कागज रास्ते में फेंकने से पहले सोचते तो हैं कि एक स्वच्छता अभियान देश में है, और हमें हम जानते हैं, जहाँ रहते हैं पास में नाली नहीं है, नाली हम इंक्रोच कर लेते हैं, अभी भी सड़क पर बड़ी बड़ी कार खड़े होकर के 24 फीट की सड़क हो उसको भी 3 फीट की बना देते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, वो भी स्वच्छता अभियान से ही जुड़ी हुई बातें हैं, उसी चेतना का हिस्सा हैं, लेकिन कम से कम उस चेतना को इन्होंने झकझोरा तो है। ये इस पॉजिटिव चीज को सबको लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। और लेकिन जो जैसे कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की बात कह रहे थे, देखिए इसको स्लोगन में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, उनका अपना एक तरीका है बोलने का, वो बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है बहुत लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन हम कर दिखाएंगे, हम कर दिखाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ये तो नेचुरली होनी है, ठीक उसी तरीके से जैसे इस सरकार ने कहा था कि हमने 18,000 गांव में विद्युतीकरण कर दिया और अंतिम गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया, लेकिन अरे पिछले 10 साल में 1,14,000 गांवों में बिजली कनेक्शन पहुंचा था, ऐसे में प्रेम कुमार जी, मुकाबले 18,000 क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने पैकेजिंग करके बेचा। ये बताएं, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि इतना बुलंद हौसला वो अपना दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है दूसरी तरफ की चुनौतियां भी कम नहीं है, और आज की वर्तमान स्थिति हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की जो है उससे भी हम लोग अवगत है, और अभी थोड़ी देर पहले सतीश अग्रवाल जी ने भी बताया अभी तक कि काफी कठिन है, काफी कठिन परिस्थितियों से इस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था गुजर रही है, बावजूद इसके ये कॉन्फिडेंस, इसको पॉजिटिवली लिया जाए, नेगेटिवली लिया जाए, किस तरह से इसे देखा जाए कि वाकई में इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी अगर कोई इंसान दिखा रहा है कि नहीं हम करके दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ अपना साथ दे दीजिए, हम पर विश्वास कर लीजिए, तो मन करता है विश्वास करने का। देखिए बीते 5 साल का अगर अध्ययन किया जाए तो ये कॉन्फिडेंस उस वक्त भी था जब नई सरकार आई थी, जब काला धन मिटाने से लेकर दूसरी तमाम बातें हुई थी, वो नहीं काम हुआ तब भी ये कॉन्फिडेंस था, और उस समय ये कहा गया कि तेल की कीमतें जो घट रही हैं हमारी किस्मत से घट रही हैं, ये भी इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबको याद होगा, और इस देश का सौभाग्य है कि हम लकी हैं, तो देश के लिए हम लकी हैं। तो एक बार फिर ये इस बजट में भी, बजट से पहले जो समीक्षा आई उसमें ये कहा गया कि तेल की कीमतें घटने वाली हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत होपफुल बना दिया गया है कि तेल की कीमतें घटने वाली है, हालांकि मेरा मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर निर्भर करने वाला है, एक बात, और दूसरी बात कि अगर तेल की कीमत घटने भी वाली है तो आप टैक्स कर उपकर इस सब लगा करके आप जनता को लूटने वाले हैं, है ना, उस वो जो तेल हम बर्मा में हमारी इंडियन ऑयल कंपनी 55 रुपए में जा करके बेच लेती है, वही टैक्सेस के कारण यहाँ पे 70 से ऊपर में बिकता है, तो ये जो स्थिति है हम जो जबरदस्ती लूटे जा रहे हैं, कोई अगर जनप्रिय सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो जनता को इस तरह से, लेकिन प्रेम जी सरकार के तमाम नुमाइंदों का कहना है कि फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सरकार यूं ही नहीं चलाई जाती, देश यूं ही नहीं चलाया जाता, एक हाथ से देते हैं तो एक हाथ से लेना भी पड़ता है। शिल्पा जी पेट्रोल इम्पोर्टेंट चीज होता है, इसके महंगा और सस्ता होने से देश में पूरी महंगाई पर इसका असर पड़ता है, बहुत लंबी चेन होती है, और उसका इस पर हर वर्ग पर लूट नहीं मचा सकते आप, मार्जिन का भी तो एक, उसकी भी तो एक नैतिकता होगी। आपके हिसाब से प्रेम जी चुनौतियां क्या क्या सबसे बड़ी नजर आती है? देखिए सपने के पीछे सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार,
इससे बड़ी चुनौती कुछ भी नहीं है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर रोजगार पैदा नहीं करते हैं तो ये चुनौती, बाकी चुनौतियों के सामने कुछ भी नहीं, मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती यही है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर दूसरी कुछ बात आती है तो वो आप इस अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए कौन सी लाइन लेते हैं, आप सेविंग्स पर जाते हैं या कि कंज्यूमिंग पर जाते हैं। देखिए एक चीज है, हमने जो GST लाया है और जिस तरीके से इसको लागू किया है, वो क्या किया है कि सारे स्टेट्स GST में क्या है कि जहां पर वो वस्तु उपभोग होगा, जहां पर खर्च होगी वस्तु, उसी स्टेट को उसका फायदा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ है कि जो प्रोडक्शन में जो प्रमोशन होना चाहिए, प्रोडक्शन पर लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या जरूरत है अपने यहाँ कल कारखाने खोलने की, वो तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बिक जाए किसी तरह से माल दूसरे जगह का। तो ये जो है ना, इस ट्रेंड को कैसे बैलेंस किया जाए, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। ठीक है, ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। सतीश अग्रवाल जी, ग्रोथ रेट को 8% रखना होगा अगर इस सपने को साकार करके दिखाना है। यह कितनी बड़ी चुनौती कि ग्रोथ रेट को आप 8% तक पहुंचाते। शिल्पा जी, ऐसे हमारे साथी मित्र बता रहे थे कि हम पिछले 15 साल से अप्रोक्सी 7 और 7.2% से ग्रोथ करते रहे हैं, थोड़ा सा कमती बढ़ती से। तो 8% नहीं, कुछ भी कम हो, लेकिन ग्रोथ ऑटोमेटिकली जब हुई है और आगे भी रोड मैप है तो ग्रोथ तो होगी होगी। अब गवर्नमेंट 7%, तो हमको भी उम्मीद है कि 7 या 6% कमती जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पर मोदी जी सपने बेचने में शुरू से एक्सपर्ट रहे हैं, और उनका जो वो नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, और उसी के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन 8% उनका ये है कि लोगों में कुछ भी चीज़ करने से पहले यदि विश्वास दिला दिया जाए तो बेटर पोजीशन आने लग जाती है। जैसे एक पेशेंट को ये कह दिया है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो पेशेंट की अंदर से रिकवरी की वजह से भी वो जल्दी ठीक होने लगता है। तो यदि पब्लिक को, लोगों को इमेज बना दिया कि नहीं 8% से ज़्यादा ग्रोथ रेट कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी के चांसेस थोड़े से बेटर हो जाते हैं। लेकिन मैं पहले भी कह रहा था और प्रेम जी ने भी समर्थन दिया था कि जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है वो है केवल हमारी रोजगार की। यदि उसको थोड़ा सा बेटर कोई भी व्यवस्था से की जाती है तो हमारा ग्रोथ रेट 8% इजीली हासिल हो जाएगा। और अभी आप दूसरी क्वेश्चन कर रही थी कि 5 ट्रिलियन के लिए, अभी प्रेम जी ने भी बताया था कि हमारे केवल 0.01% के केवल ट्रिलियन का डिफरेंस है, 0.01 ट्रिलियन का डिफरेंस है हमारी इंग्लैंड से। और ये 2 महीने 4 महीने 5 महीने में जिस तरह से पोजीशन चल रही है, ऑटोमेटिकली हम उनको पार कर ही जाएंगे। और ये मोदी ब्रांड को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा, चाहे वो इलेक्शन के लिए कहे या किसी भी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को बेचना जानती है। और जैसे कि आपने कहा भी कि सपनों को बेचना कोई जरा इनसे सीखे, प्रेम कुमार जी और प्रभात त्रिपाठी जी, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार है। प्रभात जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डर लगता है सर ऐसी लाइनें सुनकर, सपनों को बेचना जानते हैं। देखिए शिल्पा जी, सपनों के सौदागर तो मोदी जी हैं, बहुत अच्छे। और मैं तो एक बात कहूंगा कि मैं इसको नेगेटिव पॉइंट से इसलिए, देखो नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, आज चर्चा इस बात की हो रही कल के बजट की कि हमने नकारात्मक है, लेकिन लग आपके आपका तथ्य सकारात्मक है, आपके तथ्य। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेम कुमार जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी और इम्पोर्ट पॉलिसी, हम अपना उत्पादन कितना और अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। आप इंपोर्ट तो कर रहे हैं, उनका अपना बाजार उनके लिए खोले हुए हैं, लेकिन उनके बाजार में हमारी चीजें कितनी जा रही हैं, ये बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था का आने वाले समय के लिए एक मजबूत पहलू होगा। मेक इन इंडिया का फेलियर इसी मायने में घातक सिद्ध हुआ है जो आप कह रहे हैं जी। और देखिए प्रेम कुमार जी, 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी है प्रिंट मीडिया में इस सरकार ने, GST को छोड़िए आप 5% GST, न्यूज़पेपर कहां जाएंगे, चैनल कहां जाएंगे, FDI आप बाहर से ला रहे हैं, आप PP मॉडल पे काम कर रहे हैं, इसका सरकार फेल हो गई है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, अडानी को आप अमौसी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हजरतगंज चार बाग आप स्टेशन बेच रहे हैं उद्योगपतियों को, ठीक है आप सुविधाएं बढ़ाइए, पीपी मॉडल लाइए, मैं नहीं इसका विरोध करता हूं, लेकिन FDI का अगर 100% FDI हो जाएगी तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी और देश गुलाम था, क्या हम गुलामी की ओर नहीं जा रहे हैं? आप मुझे बताइए और अर्थशास्त्री मुझे बताए, क्या रोजगार बेरोजगारों के लिए रोड मैप, गरीबों के लिए? मैं तो एक बात फिर करूंगा कि मोदी सरकार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, हम कह रहे हैं कितने लोगों को, गरीबों को आपने आज तक, आप बताइए कि गरीब ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं?
मध्यम वर्गीय उसमें आए हैं, मध्यम वर्गीय को पिस रहा है बिल्कुल, वो तो सुबह शाम मेहनत करता है और दरअसल प्रेम कुमार जी कल का बजट भी आपने देखा होगा, मध्यम वर्गीय लोगों को वाकई में निराशा हाथ लगी है। महिलाओं ने ये कहा भी है, तमाम प्रतिक्रियाएं टीवी पर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, महिलाएं कह रही है कि हमारे यहाँ तो खाली के खाली रह गए, और किसानों को भी कहीं ना कहीं डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से निराशाजनक ही वो बजट को बताते नजर आए। दरअसल शिल्पा जी कल जो कुछ पेश हुआ बजट के नाम पर, उसे मैं बजट तो मानता ही नहीं हूँ, वो बही खाता भी नहीं है, क्योंकि बही खाता का मतलब पुराने जो कामकाज का लेखा जोखा होता है, और बजट इसलिए नहीं है क्योंकि जब बजट में एलोकेशन महत्वपूर्ण फैक्टर है, वही एलोकेशन नहीं है तो वो बजट कैसे है। तो स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट से ज्यादा हम इसको कुछ नहीं मानते। अगर बजट ही देखना है तो आप ये समझिए कि चुनाव से पहले जो बजट था उसी को ध्यान में रखिए, ये बजट नहीं है कम से कम। इसलिए मध्यम वर्गीय क्या हर वर्ग को निराशा हुई है, क्योंकि ये बजट के रूप में पेश नहीं किया गया है। इसमें किसान निराश हुए हैं, किसानों के लिए क्या है इसमें, निराशा तो हुई है प्रेम जी, लेकिन ऊपर से मार भी तो पड़ गई है, और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा लूपहोल इस बजट का बताया जा रहा है, वो पेट्रोल डीजल के दाम का है। सेस लगाना पेट्रोल प्रोडक्ट पर, ये बिल्कुल अनुचित तरीके से मार पड़ी है। स्टेट गवर्नमेंट तो लगाते ही है टैक्स, जीएसटी के दायरे में ये पहले से है, और हम कह रहे हैं कि प्रति लीटर हमसे 15-20 रुपए सरकार लूट रही है। प्रेम जी सीधे सीधे हमारे दर्शकों को जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि फिर ऐसे में इस फैसले के पीछे, पेट्रोल डीजल की मैं खासतौर पर बात कर रही हूँ, सरकार की क्या मजबूरी रही होगी, क्या सोचकर सरकार ने फैसला लिया? देखिए सरकार जो है कोई स्ट्रेस लेना नहीं चाहती, बहुत आसान तरीके से राजस्व जुटाने का ये तरीका होता है, वो उस तो फिर गरीबों की बात क्यों की जाती है जब उनको पता है सरकार को कि पेट्रोल डीजल की सबसे बड़ी जो मार है वो गरीबों पर ही पड़ेगी, तो फिर गरीबों की बात क्यों की जाती, गरीबों के उत्थान की बात क्यों की जाती है? कहा गया कि हम एक एक नागरिक के जीवन को सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से सरल कीजिएगा जी। आपके प्रश्न से अचानक मैं विचलित हो गया, मैं क्या उत्तर दूं इसका, लेकिन ये विचलित होना जो है बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी या दूसरी पार्टी को नहीं समझ में आता है, है ना, कि गरीब के नाम पर राजनीति करते हैं और गरीबों पर बढ़ा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपको क्या जवाब दूं, आपका सवाल इतना सुंदर था, इतना सटीक तरीके से था। मैं प्रतिक्रिया देता हूं कि आपने पूछा कि उन्होंने सेस क्यों बढ़ाया, ये बेसिकली हमारी दूसरी भाषा में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से बदमाशी है। जब कोई भी बजट के लिए एलोकेशन होती है तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा साथ में देना पड़ता है, यदि किसी भी चीज़ पर वो कर बढ़ाएंगे तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को एक अपना काफ़ी बड़ा हिस्सा चला जाता है, और जिस केवल एक सैसी ऐसा है कि ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रह जाता है, और उन्हें अपने खर्चे बनाने के लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट सबको तो बाहर कर दिया, और कल को ये उनको स्टेट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए वो भी पैसे बढ़ाती है तो कहेंगे भाई स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, किसी भी हो, और उन्होंने अपने पैसे खींचने के लिए अपना अपना ध्यान रख लिया और स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कोई भी हाथ में नहीं दिया कुछ भी। तो जो सेस बढ़ाया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दूसरी भाषा में होती है ना कि बदमाश बच्चा जो कुछ कर लेता है और दूसरे को कुछ नहीं देता, वो गवर्नमेंट की चाल है। और सर कई बात हो रही थी इसी चीज पर, तो कुछ लोग जो सरकार के समर्थक हैं और इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई हर्जा नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, उनका यह तर्क होता है कि 2-5 रुपया ज्यादा भी देना पड़ रहा है इस सरकार के लिए तो क्या है, देशभक्ति तो यही है, देशभक्ति या फिर अंधभक्ति, सवाल बार बार खड़े होते हैं, और बीजेपी के लोगों से कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये अगर 2-5 रुपया बढ़ भी गया तो हम सहने को तैयार हैं, लेकिन अगर यही दाम 100 रुपए प्रति लीटर हो गया तो क्या तब भी देशभक्ति और अंधभक्ति की बात सामने आएगी, तब क्या ये बातें तार्किक लगती है प्रेम जी? तब आंखें खुल जाएंगी, तब आंखें खुल जाएंगी और तब लगेगा कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। तार्किक लगती तो मैं उसका उदाहरण ही नहीं रखता, तार्किक तो बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन ये वातावरण है, ये मैं कह रहा हूँ प्रेम जी। उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि इनके आने के बाद चैन की किस्मत से कि क्रूड ऑयल की रेट गिरते चली गई, और उसका बेनिफिट मिलने के लिए उन्होंने पब्लिक को कोई पास नहीं किया और रेट बढ़ा गया, क्योंकि पब्लिक उतने रेट तक की आधी हो चुकी थी, सारे फायदे की स्थिति जो नोटबंदी में हमने गवा दी, और अभी भी जैसे गवर्नमेंट के पास। हम चुनौतियों की लगातार बात कर रहे हैं, प्रभात त्रिपाठी जी महंगाई दर कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, सपने के आड़े महंगाई दर किस तरह से आएगी? देखिए शिल्पा जी, हम 8% ग्रोथ की बात करते हैं, करिए, आप कहते हैं हम नया इंडिया बनाएंगे, आप बही खाते पे क्यों चले गए, पुराने बही खाते पे आप उसको आप एक उसमें लैपटॉप में उस पे बजट पेश कर देते, अगर आप नया इंडिया बना रहे हैं आप पुराने बही खाते की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कहने और करने में बहुत होता है,
मोदी जी ने एक नब्ज पकड़ ली है देश की जनता की, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश की जनता राष्ट्रवाद के नाम पे हर सेक्रीफाइस करना जानती है। अरे भाई, जनता सेक्रीफाइस करेगी तो सरकार क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं जनता सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। प्रभात जी, यहाँ तो विपक्ष को ही सेक्रीफाइस पूरी के पूरी तरीके से कर दिया गया। क्या कहेंगे सर, विपक्ष इतना कमजोर है क्या, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? राजनीतिक रूप से विपक्ष आज कमजोर है, लेकिन लोकतंत्र में कभी विपक्ष खत्म नहीं होता है। अगर वास्तव में दिखने वाला विपक्ष खत्म हो जाएगा तो जो सत्ता में है उसके भीतर विपक्ष पैदा हो जाएगा। ये न समझे कि सरकार जन विरोधी काम करते रहेंगी और बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट होकर के सुनती या देखती रहेगी। बीजेपी के भीतर यह असंतोष पैदा होगा अगर ये गलत चीजें नहीं होती। तो इसलिए विपक्ष की अहमियत है। और भारत में तो दो तरह की व्यवस्था है, स्टेट की है, संघ की है। तो संघीय व्यवस्था और स्टेट की व्यवस्था, उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन फिर भी कुछ सरकारें उनके हाथ से बाहर। वही दूसरी तरफ एक फैक्टर से हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो ये कि जिस तरह से पीएम मोदी लगातार जोर दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छठे पोजिशन से पांचवें पोजिशन पर आने को लेकर, यानी कि ग्लोबल लेवल पर हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करने की, वो जो उस परिदृश्य में अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और शायद इसी दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सही कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस बार हिंदुस्तान ने जो किया वो शायद उसी का असर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं कह रहा हूं कि आप सही कह रही हैं, लेकिन जब मूल विषय, मूल सवाल जब किसी के सामने रखा जाता है तो उसका जवाब नहीं होता है तो परेशानी होती है। आपको याद होगा कि बेरोजगारी का आंकड़ा कैसे छिपाया गया, 45 साल के उच्चतम स्तर पर जो बेरोजगारी है वो चुनाव के बाद सामने आया। जब मूल सवाल जब हम एड्रेस करने बोलेंगे तो सारे तामझाम और झूठी बातें जो हैं वो छिप जाएंगी। वो तो बालाकोट, और जैसे हमारे साथी ने कहा कि इस देश में राष्ट्रवाद जो है वो उस राष्ट्रवादी भावना को इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन ये जेन्यून बातों पर वोट मांग करके नहीं आई है ये सरकार। प्रभात जी, आपका मानना, अब आगे हमारा न्यू इंडिया जिसे हम कह रहे हैं किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, मैं प्रेम कुमार जी की बातों से सहमत हूँ। ठीक है, पर आप ट्रांसफॉर्म्स, परफॉर्म्स और रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि गरीब जनता के लिए या आम आदमी के लिए आप 132 करोड़ की बात करते हैं। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, 132 करोड़ का मैंडेट नहीं है आपके पास। आप भले आप कहिए, आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे गले पड़ना चाहता है, मैं तो कहता हूं आप 132 करोड़ जनता के गले पड़े हुए हैं। अरे आप कुछ करिए भाई। आज आपने 10% एक्साइज ड्यूटी न्यूज़प्रिंट पे लगा दिया, मीडिया पे एफटीआई आप ला रहे हैं, मीडिया को आप सरकार मीडिया को बढ़ाए आगे। हम विदेशी लोगों का पैसा यहाँ क्यों लगाएं भाई? अगर हम विदेशी हम पूंजी निवेश आप बात करते हैं, आपने कितनी आप इन्वेस्टर मीट हुई यूपी के अंदर, आपने कहा यूपी के बजट के बराबर इतना हमने एग्रीमेंट किया है, कोई कंपनी आज तक नहीं आई है। आप डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, आपने कितने रोजगार यहाँ पे लगाए, मैं तो कह रहा हूँ आप बताइए। आप पकौड़े तलने की बात करते हैं, अरे देश की जनता, लेकिन जनता देश की ये सवाल प्रेम जी पूछे तो पूछे कैसे? जनता को तो पेट्रोल डीजल के तामझाम में उलझा कर रख दिया गया है, वो तो उसी के जद्दोजहद से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये गंभीर सवालों पर फिर चिंतन कैसे हो पाएगा? सवाल भी है, गंभीर स्थिति भी है। जनता का नेतृत्व, जनता अगर इस बेचैनी को प्रकट करना चाहे तो इसके लिए उनके पास राजनीतिक नेतृत्व का अभी अभाव है, एक रिक्तता बनी हुई है, एक खाली है। और मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में जब ये कठिनाई और बढ़ेगी, जैसे किसान सड़कों पर उतर आए थे उसी तरीके से आम लोग भी सड़क पर उतरने को जब विवश होंगे, तब नए किस्म से आपने देखा अन्ना आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। भले हो सकता है एक बार और ठगे जाए जनता, एक बार और ठगी जाए, लेकिन जनता उतरेगी, बेचैन होगी तो सड़क पर ही उतरेगी, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए ठीक है, प्रेम कुमार जी जाते जाते जल्दी से मात्र 10 सेकंड में अपने क्लोजिंग कमेंट दीजिए। इस अर्थव्यवस्था का जो सपना दिखाया गया है सर, जनता कितनी उम्मीद लगाकर बैठी? जनता तो पूरी उम्मीद में है। जनता ने विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ अपनी स्थिति को सुखद बनाने के लिए, कोई बीमा चाहता है, कोई किसी को इलाज चाहिए, किसी को भरपेट भोजन चाहिए, कुपोषण से मुक्ति चाहिए, ये तमाम चिंता आकांक्षा इच्छा जो बहुत, है बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है प्रेम कुमार जी। और ये जब सब ये तमाम चीजें जो आपने गिनवाई है ये जनता को चाहिए, तो क्या पोजिशन उनके लिए मायने रखती है?
पोजीशन तो स्थिति को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स सच होंगे तो पोजीशन अपने आप खुद ब खुद ऊपर हो ही जाएगी। चलिए, ऐसा अर्थशास्त्र में नहीं होता है जरूरी। आमतौर पर अमीरी गरीबी की खाई बढ़ जाती है तो कहने को हम बड़ी इकोनॉमी हो जाते हैं, लेकिन गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। ये चिंता बनी हुई है, इसको एड्रेस करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। मेरा ये कहना है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, गरीबों को ऊपर उठाइए और आम आदमी के लिए काम कीजिए और वो दिखाई दे। हम लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए किसी भी कंट्री को बढ़ने के लिए, लेकिन आंतरिक संरचना जो हमारी बिगड़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो उस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ठीक है प्रभात जी, आपकी बात आ गई है। सतीश अग्रवाल जी, जल्दी से मात्र 10 सेकंड आपके पास भी, आपका क्लोजिंग कमेंट, क्या उम्मीद है? मैंने मैडम स्टार्टिंग में ही कहा था कि आधा ग्लास भरा है आधा खाली है। बहुत कुछ काम किए हैं और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन परफॉर्मेंस और डिलीवरी से बहुत सी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। हमें कुछ पॉजिटिव उम्मीद भी बनानी पड़ेगी, सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश अग्रवाल जी अच्छा से जुड़े हुए थे, प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद थे। तो पोजिशन 6 से हिंदुस्तान की 5th पर आए, 4th पर आए, 3rd पर आए, 2nd पर आए। पूरा देश आपके साथ है, मोदी जी की सरकार से, लेकिन यह दरख्वास्त है कि गरीब वर्ग के ऊपर मार नहीं पड़नी चाहिए। गरीब वर्ग का भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए जितना ध्यान इन्हीं गरीबों ने आपका रखा वोट देते समय। इसके साथ मुद्दे की बात में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।